महाराज जी, मैं एक ट्रेवल ब्लॉगर हूँ। मतलब क्या होता है महाराज जी? ट्रेवल करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब आदि पे डालते होंगे, जिससे लोगों को ज्ञान हो कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ऐसा शायद। तथा मैं भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बीच अपने 34वें जन्म दिवस पर मैं कैंची धाम गया था। वहां से मैंने राम नाम जपना शुरू किया। राम नाम जपने के कारण मैं अपनी बुरी आदतें जैसे मदिरा पान, मांस खाना आदि छोड़ चुका हूं और हर समय आपके प्रवचन सुनता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि चाहे मैं आपको सुनूं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊं, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूं। तो ऐसा करके मैं आपका या अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? नहीं, रामे हमारी राधा किशोरी, मामे माधव विराजमान। राम राम बोलते तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जिस पर भगवान राम की कृपा, जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए, हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि रामे राधा मामे माधव, मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं। अरे जिधर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, कोई और है ही नहीं तो नाराज काहे को होगा। है मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल और टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब में पहुंच गया। मूल भगवान है श्री हरि, वही राम है, वही कृष्ण है, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं के विविध नाम है, कोई अंतराय नहीं।